नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छा बच्चों, घर में पढ़ रहे हो? अच्छा, अच्छी तरह से पढ़ो, बाहर मत जाना। ठीक है बच्चों, पिछले पार्ट में हम लोगों ने 4वीं कक्षा के लिए क्या देखा था मालूम है? ठीक है, मैं आपको याद दिलाती हूँ। हमारा राज्य चिन्ह, हमारा राज्य चिन्ह में क्या है बोले देखेंगे। देखो झंडा, और ये हमारा सिंबल लेंगे। मालूम है इसमें कितने रंग देखा होगा, और इस सिंबल में क्या क्या है? घोड़ा, हाथी, इस प्रकार घोड़ा होगा ना आपके मिस में। सो यही है, पिछले पार्ट में हमने देखा था। अब आपको मैं नए पार्ट में जाने वाली हूँ। नए पार्ट में देख लीजिए कि ये है उपकारी बालक। देखो टॉपिक में मैंने लिखा है उपकारी बालक। उपकारी का मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटा सा चित्र दिखाऊंगी बच्चों। ये देख लीजिए, ये है उपकारी बालक। ये देखो पहला वाला लड़का क्या कर रहा है, देखो बोलिए बच्चों। हाँ, ये लड़का थोड़ा सा पानी किसे डाल रहा है? फूलों को। फूलों मीन्स फ्लावर्स। फ्लावर्स को पोर ऑफ द वॉटर, पानी डाल रहा है ये लड़का। ये आके एक छोटा सा लड़का कर रहा है, ये एक मदद है। और ये देखो ये लड़की क्या कर रही है, फूलों को ले रही है। हाँ, तोड़ रही है। पूकल परकिन, तमिल सुनना आदि। ये लड़की ऐसे, ये सब अच्छे कामों का उपकारी वही है, दूसरों की मदद करना। यह घर में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के लिए ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं, यही है। और तीसरा देखो ये लड़की क्या कर रही है, पेड़ लगाती है। हाँ, घर में हम लोग पेड़ को लगाने से क्या होता है, बारिश, रेन आती है। वरना देखो आज धूप कितना पड़ रहा है, समर में बहुत हॉट है, इतना स्वेटिंग हो रहा है बच्चों। सो इसी प्रकार ये देखो ये लड़की पेड़ लगा रही है। और बच्चों ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है, ये बूढ़ी माँ को लेके जा रहा, हाथ पकड़ के लेके जा रहा। जो बूढ़ों ने रोड क्रॉस करने के लिए तकलीफ, उनको आंख नहीं दिखेगी, थोड़ा सा चलने के लिए सोचेंगे वो लोग। सो इसी प्रकार रहने से वो लोगों को ये लड़का मदद कर रहा है। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये है उपकारी बालक। उपकारी का मतलब है दूसरों को मदद करना। ये सब मदद के रूप में दिया गया है। ये चित्रों को अच्छी तरह देखो बच्चों। अच्छा ठीक है, हम लोग अब पार्क में चलेंगे। अच्छा बच्चों, ये उपकारी बालक में पहला, ये छोटा सा गांव, एक छोटा सा विलेज, गांव को विलेज बोलते हैं। उस विलेज में ये क्या है, स्कूल। आप लोग भी स्कूल को जा रहे हो ना, लेकिन आप तो छुट्टी है आपके लिए, आप छुट्टी पे घर में एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करो, लेकिन बाहर मत जाना। और क्या करो, घर में बैठे जो पढ़ाई मिस लोगों ने आपको दे रहे हैं उसे घर में ध्यान से पढ़ो। अच्छा ठीक है, आप लोग पार्क में आ जाओ बच्चों। पहला इस गांव, ये देखो ये है वो गांव। ये देखो कितना अच्छा विलेज है ना, देखो बच्चों। हाँ सुंदर है ना, वहां पे एक स्कूल है देखो। हाँ बच्चे खेल रहे हैं, देखो यहाँ पे खेल रहे हैं, स्कूल है। सो अच्छा, उस गांव में एक छोटा सा स्कूल है। हाँ, एक गांव से थोड़ी दूरी एक स्कूल था। गांव के सब लड़के उसी स्कूल में, हाँ उस गांव के सब बच्चे उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। स्कूल के रास्ते में एक खड्डा, खड्डा इसे डिच पल्लम सोलवा में तमिल। हाँ, उस स्कूल के थोड़ी दूर जाते वक्त एक गड्ढा, गड्ढा था और पल्लम, और उस गड्ढे में पानी भर। हाँ, वहां पे इस गांव में बारिश हो रही थी। तब बारिश होने से क्या होगा, उस पानी आके वो गड्ढे में जाके फिल होया होगा। तब जहां पे गाड़ी जाएगी तो तकलीफ हो जाएगा वहां पे, यही है। सो अच्छा ठीक है, पानी के बरसने से उसमें कीचड़, कीचड़ इज मड। सो शेर, सो वहां पे शेर आ गया, पल्लत्र नालिया। उधर से होकर एक गाड़ी जा रही थी, उस कीचड़ में उसके पहिए धस गए। पहिए इज व्हील, कार लो व्हील लिख पाते किंगला। वो पहिया आके उस गड्ढे में डिग हो गया। बेचारा गाड़ीवान अकेले उसे बाहर निकाल नहीं सकता था, बहुत देर तक इंतजार करने पड़े, उधर से कोई नहीं निकला। सो उस बेचारा ने हेल्पलेस है, कोई भी उसके लिए मदद के लिए नहीं आ रहा। तब उसने क्या किया था, उस गाड़ी को ढकल रखा था, लेकिन उसे तकलीफ हो रही थी अंदर, पलट अंदर बंटी मैं वर्ल। गाड़ीवान वेट कर रहा था, कोई आ रहा वहां पे, कोई भी नहीं आ रहा था। गाड़ीवान इसी चिंता से दुखी हो रहा था। इतने में एक लड़का उस रास्ते से स्कूल की तरफ जाता। हाँ, बहन पड़ा थे कि उस गांव में एक स्कूल है। सो उस स्कूल के उसी रास्ते से बच्चे जाना है उस स्कूल के लिए। सो वो बच्चा क्या कर रहा था, स्कूल उसी रास्ते एक लड़का आ रहा था।
तब वो गाड़ी वन अंद गाड़ी वंद कार कड़ी है अक्षरा दो माटू बनी बुल्ला कार बोलते उसे अंग्रेजी। इतने में एक लड़का उस रास्ते से स्कूल की तरफ जाता हुआ देखा है। पास आने पर गाड़ी वाले लड़के से कहा, तुम इस गाड़ी के पीछे से ठकेलो दो और मैं बैल को हाकूंगा, मेरी गाड़ी ऊपर आ जाएगी। पर वह लड़का ये कहकर चला गया कि स्कूल का समय हो गया और स्कूल में जाकर खेलने लगा। सो उस लड़के ने क्या किया था, देखो ये लड़के आके हमेशा काम कर रहे, लेकिन वो लड़का क्या कर रहा था, मुझे स्कूल का वक्त हो गया ना, स्कूल को पोनो टाइम आई ना मम्मी का सुन रोली ना दे मारे। ये लड़का भी क्या बोल रहा था, मुझे स्कूल का वक्त हो गया, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, बोल के ऐसे चला। सो बेचारा गाड़ीवान बैठा बैठा तक गया और उसको भूख भी लगने लगी, हंग्री। बहुत देर से वो बैलगाड़ी वाला वहां पे बैठ गया और उसे क्या हुआ था, भूख लगने लगी। लेकिन कोई आदमी उस रास्ते से नहीं जा रहा था। तब एक लड़का उधर से निकला, लेकिन वह भी ये यूं ही चला गया। इतने में जानकीनाथ नाम का एक बहुत छोटा उम्र का विद्यार्थी उधर से निकला। गाड़ी वाले को देखकर उसका दया आई और उसके पास जाकर उसने कहा, भाई गाड़ी को ऊपर चलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ, दो लड़के वहां पे, पहला लड़का आया और दूसरा लड़का आया, कोई भी नहीं, तीसरा लड़का ही जानकीनाथ था, एक छोटा सा बालक था। वो उस गाड़ी वाले को मदद करने के लिए तैयार हुआ। इतना सुनते वह गाड़ीवान उठकर आगे गया और उसने जुआ पकड़ा, पीछे से जानकीनाथ गाड़ी को ठकेलने लगा। इसी तरह गाड़ी को ऊपर पहुंचाकर वह अपना बस्ता लेकर, बस्ता इज अ बैग, स्कूल का बैग को बस्ता बोला जाता। सो दोनों ने कोशिश करके, गाड़ी वाला और छोटा सा जानकीनाथ लड़का, उस गाड़ी का गाड़ी वाले का मदद किया और गाड़ी ऊपर आ गया और जानकीनाथ ने किताब लेकर स्कूल को गया था। उसकी मदद करने के बाद गाड़ी वाले गाड़ी को रोक लिया और बारे बोरे में छेद देकर बोल उठा, मैं तुम्हारा बड़ा ही आभारी हूँ, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा, अगर तुमने ये बात मुझे ना बतलाई होती तो मुझे गरीब आदमी को बहुत नुकसान होता था। हाँ, जब गाड़ी ऊपर ठेलने से उसमें अनाज जैसे राइस वहां पे था, वो नीचे गिर गया था। सो सारा अनाज नीचे गिरने से वो लड़का, वो भी मदद किया था जानकीनाथ बंदे ना पन्ना अंदरसी विंडो ने आधे ही कोटी वाली अल्लाह से कुर्तोंने। तब इस गाड़ी वाले उसकी है थैंक यू बोला था और उसे बहुत ब्लेस किया था, अच्छा लड़का तुम इतने अच्छे हो लेकिन मेरे जैसे पुअर पीपल के लिए कौन मदद करेगा, ऐसे बोला था। इसके बाद वह लड़का स्कूल की ओर चला गया। जानकीनाथ स्कूल में 10 मिनट देर से पहुंचा, किसी भी दिन वह देर करके नहीं आता था। इसलिए गुरुजी ने पूछा, आज तुम्हें देर क्यों लगे, आज तुमको माफ करता हूँ, आगे कभी देर से नहीं आना। इसके बाद दोपहर की छुट्टी हुई, सब लड़के खेलने लगे। खेलते खेलते जिस लड़के ने गाड़ी वाले की मदद करने से इनकार किया था, उसने उस छोटे लड़के से कहा, तुम क्यों देर से आए हो ये मैं जानता हूँ। हाँ, अब वो लड़का आके देर से कभी भी जाने के लिए स्कूल को देर से नहीं जाता, आज गुरुजी ने उसे माफ कर दिया। अच्छा, उस छोटे से लड़के ने पूछा, रास्ते में बैठा हुआ गाड़ीवान, गाड़ी चढ़वाने में देर लगी होगी और उसके लिए तुम्हें पैसे भी मिले होंगे। ये पहले वाला लड़का ने उसे मदद नहीं किया था, उस लड़का बोल रहा था कि तुम क्यों देर से आए जानकीनाथ, मुझे पता है तुम पैसे भी लिए होंगे, ऐसे उस लड़के ने बोला था। जानकीनाथ ने कहा, मैंने पैसे के लिए गाड़ीवान की सहायता तो नहीं की थी। ये सुनकर दूसरा लड़का बोला, मैं तो पैसे के बिना कोई भी काम नहीं करता, मुझसे भी उसने कहा था पर बदले में कुछ देने के लिए नहीं कहा, इसलिए मैंने इनकार कर दिया, तुम ही मूर्ख हो जो उसे पैसे नहीं लिए। जानकीनाथ ने कहा, बेचारा गरीब गाड़ीवान अपनी गाड़ी चला नहीं सकता, बड़ी तकलीफ से मैं पड़ा था, तकलीफ में रहने वाले की मदद करना हमारा धर्म है, ऐसे समय में दूसरे की सहायता करना सदा बदला में पैसे व्यापार करने के समान है। हाँ, अच्छा, ये दोनों लड़के उसकी मदद करने रेंट पसंदों वदरी से, जानकीनाथ वदरी से जितनाल है पैसे लेकर रेंट पसंदों और निकास कुर्ता नहीं और मुट्टालन सोना। जानकीनाथ ने, वैसे मत बोलो, जो हम दूसरों की मदद करते हैं उसे बिजनेस के रूप में देखना नहीं चाहिए, जानकीनाथ ने वो दो लड़कों को समझाएगा। यही कहानी है बच्चे, तुम लोग दूसरों की मदद करो और दूसरों को अच्छी तरह से मदद करके अच्छा नाम कमाओ इस दुनिया में।